वेलकम टू पार्ट टू। माता खीर भवानी के दर्शन करने के बाद अब हम सोनमर्ग जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश की बूंदों से ये रास्ता और भी खूबसूरत लग रहा है। बीच में ये बहुत ही अच्छा व्यू था तो हम सब ने यहाँ पे फोटो खिंचवाए। अब सोनमर्ग आ गया है। सोनमर्ग में हम एक ख्वाजवास ग्लेशियर को देखने जाएंगे और घोड़े पे बैठ के जाएंगे। ये दूर आपको जो दिख रहा है वो देखने जाने वाले हैं, तो इसके लिए हम घोड़े पे बैठ के जाएंगे। आप पैदल भी जा सकते हो। घोड़े पे करीबन एक घंटे का रास्ता है। हल्की हल्की बारिश थी तो रास्ता थोड़ा खराब हो गया था। बॉलीवुड की काफी सारी फिल्मों का शूटिंग यहाँ पे हुआ है, जैसे कि सत्ते पे सत्ता, ऐलाने जंग। आपको ये सीन तो याद ही होगा, ये बजरंगी भाईजान मूवी का सीन है, तो उसका शूटिंग भी यहाँ पे हुआ था। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ठंड है। यहाँ पे पहाड़ों वाली मैगी और ये कश्मीरी कहवा मिलता है। ये हसी वादिया ये खुला हम मेरे साजना। हमारे टूर के बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे। स्नो एक्टिविटीज करी, डांस करा और अब हम हमारे होटल पे वापस आ गए हैं। और दूसरे दिन सुबह में हम लोग गुलमर्ग देखने के लिए निकले हैं। गुलमर्ग के रास्ते में जो सीन सीनरी आती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, और विंटर सीजन में तो ये पेड़ों पे स्नो होता है, तो इसका नज़ारा देखने जैसा होता है। अभी तो हम मई महीने में आए हैं तो यहाँ पे स्नो नहीं है। तो अब हम गुलमर्ग पहुँच चुके हैं और ये गुलमर्ग का गंडोला स्टेशन है। यहाँ से गंडोला में हम फेज 1 और फेज 2 दो जगह पे जा सकते हैं। गंडोला के लिए ऑनलाइन टिकट भी अवेलेबल रहती है और ऑफलाइन टिकट भी यहाँ से मिलती है। ये स्नो बाइक है वो देखने के बाद अब हम यहाँ के लोकल जो गुलमर्ग के साइट सीन है वो करने के लिए टट्टू पे बैठे हैं। तो पहले हम एक पार्क में जाएंगे। ये पार्क भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे मेरे साथ ये कश्मीरी लड़कियाँ जो है, वैसे भी कश्मीरी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती है, तो मैंने उन लोगों के साथ फोटो खिंचवाया। बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। ये कश्मीरी गुड़िया है और ये मेरी फ्रेंड है, तो हम लोगों ने कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाए। यहाँ पे जो मैगी मिलती है उसका टेस्ट अलग रहता है, इसे पहाड़ों वाली मैगी कहते हैं। पार्क देखने के बाद हमने यहाँ पे शिव का मंदिर था तो वो देखा। उसके बाद में हमने ग्रुप फोटो खिंचवाया और अब हम श्रीनगर वापस आ गए हैं।
श्रीनगर पे अब हम शॉपिंग के लिए निकले हैं। तो यहाँ पे पेपर से बना हुआ बहुत सारी वैरायटी मिलती है। दिखने में ये जितना हैवी वेट लगता है उतना ही ये लाइट वेट का रहता है। तो ये अकबर आर्ट गैलरी से मैंने पेपर से बनी चीज़ों की शॉपिंग की। अब हम हमारी होटल पे आ गए हैं। ये हमारे टूर के मैनेजर है। अखिल भारत ट्रैवल्स में खाने में बहुत सारी वैरायटी रहती है और सुबह की बेड टी से लेके रात का केसर वाला दूध, सारी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। अब दूसरे दिन सुबह में हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं। तो पहलगाम जाते टाइम रास्ते में हमें केसर के खेत देखे। यहाँ से केसर हमने खरीदा। कहते हैं कि यहाँ पे केसर बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे कश्मीरी कहवा कुछ अलग टाइप का बनता है। बीच में कोयला, बीच में कोयला और अंदर ये पानी में इलायची है। इलायची सब, केसर, इलायची, वो सब है। मुझे तो ये कहवा बनाने का एंटिक बर्तन बहुत ही अच्छा लगा। और ये लोग इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड करके ये कहवा में डाले थे, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। आगे हमने बैट बनाने की फैक्ट्री देखी। कहते हैं कि पूरे इंडिया में यहाँ से बैट सप्लाई होते हैं। इसके आगे हमने एप्पल गार्डन देखा और आड़ू वाली मैगी खाई। पहलगाम आने से थोड़े किलोमीटर आगे ये रिवर राफ्टिंग का पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग करा। श्रीनगर टू पहलगाम पूरा स्ट्रेट हाईवे है, तो हम 4 से 5 पॉइंट देखते देखते अब पहलगाम पहुँच चुके हैं। हमें 4 से 5 घंटे श्रीनगर टू पहलगाम पहुंचने में लगा। सुबह की यहाँ की खूबसूरती आप देखिए। पहलगाम की लोकल जो टैक्सी होती है वही टैक्सी में हम अब पहलगाम के लोकल साइट सीन के लिए निकले हैं। तो अब हम चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं। चंदनवाड़ी से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये वही जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल्स था। अब हम बेताब वैली जाएंगे। मुझे कश्मीर में सबसे खूबसूरत जगह ये बेताब वैली लगी। और बेताब वैली का पहले फगन वैली नाम था, पर अमृता सिंह और सनी देओल की फेमस मूवी बेताब, उस फिल्म का शूटिंग यहाँ पे हुआ है और वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, तो तब से ये वैली का नाम बेताब वैली पड़ गया। बेताब वैली में बहुत सारे पॉइंट्स देखने जैसे हैं, जैसे कि लव स्टोरी पॉइंट, ओल्ड ब्रिज, वाटरफॉल्स। दिस इज नॉट अ स्विट्जरलैंड, दिस इज अपना इंडिया। बहुत ही खूबसूरत बेताब वैली है। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे। यहाँ पे हमने बेताब मूवी के एक सॉन्ग पे स्टेप्स भी किए और हम लोगों ने बहुत ही मजा किया। ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा और ग्रीनिश ट्रांसपेरेंट था। अब हम तीसरे पॉइंट पे आए हैं, ये है आड़ू वैली। विंटर में यहाँ ये वैली पे पूरा स्नो रहता है। सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान का शूटिंग यहाँ पे हुआ था और उसका एक कैरेक्टर मुन्नी
उसका घर यहाँ पे दिखाया था। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप एक बार कश्मीर ज़रूर आइए। यहाँ पे हमने एक मिनी स्विट्ज़रलैंड भी देखा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये हमारा टैक्सी ड्राइवर था। नाइट में हमारे टूर के मैनेजर ने होटल में कैंप फायर अरेंज किया था, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे हमने कच्चा बादाम और बहुत सारी मूवी पे डांस किया। कच्चा बादाम सारे बच्चे डांस में तो जैसे सुपरस्टार हो ऐसे डांस कर रहे थे। बड़े से लेके छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे डांस किए। कीप इट अप बेटा। कश्मीर की वादियों में गुजराती गरबा, वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे गरबा खेलने में, बहुत मज़ा आया। फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात कि अगर आपको शॉपिंग करना हो तो पहलगाम सबसे बेस्ट जगह है, तो आप पहलगाम से शॉल और केसर और वो सब की खरीदी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डांस। दूसरे दिन सुबह में हम माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले हैं, तो अब हम पहलगाम से कतरा की तरफ जाएंगे। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, तो हमने उस रास्ते में गेम्स खेला और सब बच्चों ने प्राइजेस जीते। थैंक्स टू कौशल भाई जिन्होंने ये गेम्स ऑर्गेनाइज करी थी। सुबह 7 बजे हम पहलगाम से निकले थे और आफ्टरनून 1 बजे के करीब हम लोग कतरा पहुंच चुके हैं। नाइट में हमने 11 बजे के करीब घोड़ा हायर करके हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले हैं। तो सबसे पहले हमने बाणगंगा और चरण पादुका के दर्शन किए। वैष्णो देवी आने के भी 2-3 रास्ते हैं। हम हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, उसकी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट रहती है। और दूसरा रास्ता जो अभी 2018 में बना है, जो उसकी चढ़ान थोड़ी सीधी है तो हम इजीली चढ़ पाते हैं, और वहाँ से सीनियर सिटीजन के लिए भी इलेक्ट्रिक कार है। और तीसरा रास्ता जो पुराना रास्ता, वहाँ से घोड़ा या डोली में आ सकते हैं। उसके बाद हमने अर्धकुमारी पे दर्शन किए और अब हम मेन भवन पे आ गए हैं। माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हमने भैरव मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना ये वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब हम जम्मू से वडोदरा आ गए हैं। आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिए, और अब मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।